गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कम टू द एक्सरसाइज 7, क्वेश्चन नंबर 1। राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। हमें जो कुछ नंबर्स दिए उनको हमें रोमन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5th, 83। 83 को हमें रोमन में कन्वर्ट करना है। 83 को हमें पता है, हमने 100 से 100 तक की जब काउंटिंग लिखाई थी तो आपको बताया था 80 के लिए हम लिखते हैं LXX एंड 3 के लिए 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, 179। इसको हमें रोमन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना होगा। 1 के पीछे 2 डिजिट, इसलिए इसके पीछे 20, देन प्लस 7, 10, देन 9। अब 100 के लिए हम रोमन में सिंबल क्या यूज करते हैं? सी। 70 के लिए आपको पता है जब आपने 100 तक की काउंटिंग लिखी थी कि हम लिखते हैं LXX और 9 के लिए IX। तो इस तरह से 179 क्या हो जाएगा? CLXXIX। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd, 476। 476 के लिए भी हमें पहले इसको कन्वर्ट करना है एक्सपांडेड फॉर्म में। 400 प्लस 70 देन 6। अब 400 के लिए अब हमें क्या लिखना है? 400 के लिए हमारे पास बेसिक सिंबल नहीं होता है, तो 400 के लिए हम लिखते हैं CD। मैंने आपको बताया था कि 400 के लिए हम 4 टाइम्स सी नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, 500 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम क्या लिख देंगे? CD। इसका C का मतलब होता है सी, डी का मतलब होता है 500। तो 500 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 400। और छोटा सिंबल पहले लिखा है, बड़ा सिंबल बाद में लिखा है, इसका मतलब कि ये सब्ट्रैक्ट होगा। 70 के लिए आपको बताइए क्या आता है? LXX और 6 के लिए VI। सो इट इज CD LXX VI। नेक्स्ट क्वेश्चन 5610। इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। 5000 प्लस 620 प्लस 10, 5000। आपको पता है 1000 का सिंबल होता है m, तो 3000 तक तो हम 3m लिख सकते हैं, बट 3000 के बाद हम m को रिपीट नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, 1000 के 30 के लिए फिर हम बार का यूज करते हैं। 5 का सिंबल क्या होगा? v, और v के ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब 5 के पीछे 30 है, या हम कह सकते हैं कि 5 का 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 5000। 600 के लिए बेसिक सिंबल होता है d, और 100 के लिए होता है सी, तो 500 प्लस 100, तो इसको हम लिख देंगे DC, 500 प्लस 100, 10, 10 के लिए X, तो ये हो जाएगा V⁄DCX। नेक्स्ट 7 वाला 43625। अब इसको भी पहले हमें एक्सपांडेड करना है। एक्सपांडेड हमें ऐसे करना है कि जो 1000 वाली टर्म है, 43 दोनों को हमें साथ में लिखना है। 43 और 3 डिजिट पीछे, तो 43000, देन 6 के पीछे 2 डिजिट 20 प्लस 5, 43625। अब 43 हमें 1000 की 30 है यहाँ पे, तो हमें 43 के लिए क्या लिखना है वो लिख लेंगे हम। 43 के लिए आ जाएगा, 40 के लिए आता है XL, 3 के लिए हमने 50 तक की काउंटिंग लिखी थी, तो हमें पता है कि ये 43 होता है, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, तो इसका मतलब इसके पीछे 30 है। 600 के लिए आता है DC, 20 के लिए XX एंड V के लिए 5, तो इसलिए क्या हो जाएगा? XLII⁄DCXXV। तो इस तरह से हम जो है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।